फॉलो कर सकेगी। ठीक है, मैं अकेला ले लेता हूं। ओके फाइन। सिमलदार स्वामी का पद है, पदांगी में से पद नंबर 43, सिमलदार स्वामी आवो है। ठीक है, मैं अकेला ले लेता हूं। ओके, सिमलदार जय सच्चिदानंद। स्वामी का पद है, पदांगी में से सिमंदर स्वामी आओ रे, मुक्ति द्वार उगाड़ो रे, करुणा जल बरसाओ रे, चार गति ती छोड़ाओ रे, विकल्पों नी कोठी मां परियो छे विनासी मां, सत्विज्ञानी दृष्टि थी एनो कर पहलानी का, आतम सन्मुख था वो रे, पची मुझे गुण गावो रे, सत्यमय सुख वदारो रे, बरसत योगी सुभावो रे, कपट भंडारो खाली कर, अवला चमा सवला कर, वक्र विषय विरेचन कर, व्यतिक्रमणो प्रतिक्रमणा कर, कर्म सन्यासी था जोरी, हूँ करता नहीं जानो रे, विपरीत बुद्धि फगावो रे, भय बड़ काटने बाड़ो रे, जग मा क्या द्रोणा कर, सम्यक ज्ञाना वृत सब, दुख मूल कारण संवेकल, त्या वितराग थई विचर, सच्चिदानंद मानो रे, आंगड़ियाँ गाड़ो रे, स्वपुरुषार्थ प्रभावो रे, सिद्धां समबावो रे, सिमंदर स्वामी आओ रे, मुक्ति द्वार उगाड़ो रे, करुणा जल बरसावो रे, चार गति ती छोड़ाओ रे, सच्चिदानंद मानो रे, आंगड़िया उगाड़ो रे, स्वपुरुषार्थ प्रभावो रे, सिद्धां समबावो रे, सिद्धां संभावो रे, जय सच्चिदानंद। अबे खुशी, खुशी की बारी, करिश्मा करिश्मा,
ओके दुनिया जीवने शुकने शांति हो जुदे दुनिया दुनिया सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जोरे दुनिया दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। मनते पन कोई जीवनो विचारे ना हो जोरे मनते पण कोई जीवनो गुरु विचारे ना हो जोरे। सामाने उपकार कब दे आही सक चित मन हो जोरे सामाने उपकार कबूती अहिंसक चिंतवन हो जोरे। आ दुनिया मा करें शादी हो जोरे आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जोरे। शीतल देना वाणी ती शीतल माधुरी पेलाड़ी ते मोटो रे। क्या तेजुक जोशो रे लोकों ने सुख आपे देवा कार्यान्ति सुख जो सूरे। आ दुनिया मा संगे जीवने सुखने शांति हो जोरे आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जोरे। लक्ष्मी गंदे तेलंगा पेलंगारो लक्ष्मी लक्ष्मी गमे ते दंदामा मेळवनारो पुणियो रे। पाजक सत्संग मागे करजे दन्ने तू जोरे पुण्योत्पाजक सत्संग मार्गे खर्ची दनने दो जोरे। आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जोरे आ दुनिया मा सर्वे जीवने
सुखने शांति हो जोरे। ज्ञान स्वरूप छो प्रयोग जो तो जोरे। ओ जाते विज्ञान स्वरूप जो प्रयोग चो को जोरे। मानव काया सज मंदिर छे आत्मा अंदर नू कोरे। मानव काया सित मंदिर छे आत्मा अंदर नो खोरे। दुनिया मा सर्वे जीवनी सुखने शांति हो जोरे। आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जोरे। जय सच्चिदानंद। जय सत्य। जय वेरी गुड, सच्चिदानंद। बहुत अच्छा। करिश्मा, अब के छोटी बहन किधर गए? वो यही पर रहता था। ओ, नहीं आने का, उसको मुंह नहीं निकालने का है। ओके, तो नहीं नहीं संतोष संतोष काका स्त्री वो मन तो बुलाए। अपने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। नमो चित्ताणं, नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं, नमो नमो वत्सायाणं, नमो आयरियाणं। नमो लोए सव साहुणम। वत्सायाणं। नमो लोए सव ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमो सव पारो पावक पणासनो सवपावपनाशनो मंगलानं च संवेशे। मंगलानं च सवेशं पदमं परमं अवै मंगलम्। अवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। के चिन्हय अनम्यूट करो। चिन्हय ठंडी है। लखनऊ हाँ का लक्ष। दादा हाँ, डेली प्रेयर बोला इन लोग। फिक्स हो गया। ही दादा भगवान मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरे शरीर उठ पाए। मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं लड़ाई में हमेशा सुनते रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा बच्चा कभी भी नहीं छूट सकती। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा बच्चा कभी नहीं छूट सकती। प्राप्त मन वचन काया का योग अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूँ। तुम सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर होऊंगा ताकि मैं दादा भगवान जैसा
राजा भगवान वेरी गुड, इजाक्सी बार मुझे पढ़ाए में समझ में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरे पढ़े सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे जय सच्चिदानंद। दक्ष। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, आपके बच्चे, हम है आपके बच्चे, दिल सच्चे दिल के हैं सच्चे। के सच्चे फिर भी है फिर कच्चे। भी काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छा अच्छे अच्छे जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सेपरेशन सच्चिदानंद। प्रेयर। हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, हे तक्षशिला अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, तक्षशिला रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, तक्षशिला टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके तो कल तो मैं नहीं आया था। कल क्या किसके बारे में बात किया था? एनीबडी? इताक्षी बात है? ओके हाँ मैं थी कल। कल दीपक दादा ने पहले पूरे दिन में क्या हुआ वो बता, उसके बारे में पूछा था। और और बाद में बाद में मोनिका, ओके खुशी, कल हसमुख दादा ने ये बताया कि हमें एक दिन में क्या करने से हमें खुशी मिल सकती है। उन्होंने थ्री थिंग्स बोली थी। दादा की प्रार्थना करने से हमें हैप्पी होते हैं, और रोज हमें नई थिंग्स लर्न करनी चाहिए और उसे समझनी चाहिए, और हम समझेंगे तो हमारा नॉलेज भी गेन होगा, और हमारा टारगेट होना चाहिए तो हम सुबह जल्दी उठकर उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओके आज कैसा रहा? हैप्पी? ये हसमुख काका ने बोला था ऐसे कुछ किया? आज मैं थोड़ा सा लर्न किया था। मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने मेरी वीकनेस बोली थी, तो मुझे उस समय फील हुआ कि मेरी गलती थी, तो मैंने उस समय निश्चय भी किया था कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी, रोज एक्सरसाइज करूंगी और मेरी हेल्थ का ख्याल रखूंगी। डॉक्टर ने क्या बोला? आप हेल्थ केयर नहीं करते ऐसे बोला? नहीं, एलर्जी है, उसे ट्रीट करना चाहिए मुझे। नहीं, अच्छा एलर्जी का, तो आप कुछ दवा लेते हैं एलर्जी के लिए? हाँ उन्होंने दिया था 1 मंथ में दवाई दी है। 1 मंथ ओके पापा को बोलना कि अपना एक महात्मा जयपुर में है उसको कांटेक्ट करें, नहीं हो तो हमको डॉक्टर खंडेवाल है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। ओके वो बहुत मशहूर है, अभी भी उसको मेडल मिला, इसमें मेडल मिला था वो दुबई में था ना उल्ला का कॉन्फ्रेंस। ओके तो उसको अभी मेडल दिया था, अवार्ड दिया था। डॉक्टर खंडरवाल है, नहीं फोन है तो हमको वो पूछना उसके साथ बातें करने का। आप तो पहचानते हैं ना? प्रवीण चले सर, संतोष काका। कुमार, प्रवीण कुमार आप खंडेलवाल। तो ये बहुत, ही इज वेरी गुड, सब उसके पास जाते हैं। दीपक दादा तो उसकी दवा लेता है। ओके
अब हाँ कल थे, क्या गलत आप कल थे सत्संग में? नहीं, नहीं ओके, तो आप हैप्पी है आज? नहीं दीदी के क्या हो गया? साथ झगड़ा हुआ नहीं वो तो पुराना है। दूसरा, आप तो दादी माँ उसको है तो हम कुछ नहीं बोल सकता नहीं। है। उनको अच्छा पढ़ाई लगता है, करिश्मा कैसे को चलती, अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ाई कैसे चलता है? आज ही चलता है दादा। पापा रिपोर्ट लेके आया स्कूल में से। इसका एग्जाम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ स्टार्ट? करिश्मा का अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 11th और 10th एंड 12th का ही था। अच्छा, तो अभी करिश्मा आप स्टडी करते हैं अच्छी तरह से कि मस्ती करते हैं? नहीं सब साथ मस्ती कम हो गई? करिश्मा मैं ना कम तो वही है ना, अभी मस्ती देखो मस्ती कम करो कम और करेंगे तो थोड़ा सा जीएंगे कैसे। थोड़ा सीरियस करने का। ओके ओके मोनिका, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा से प्रार्थना नहीं की थी, बट मैंने सभी के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान देखा था। मैंने वही वेरी वेरी प्रिंसिपल गुड। और आप ये हैप्पी है आज? क्यों? हाँ मैं आज मैंने किसी का भी अहम नहीं दबाया, और मम्मी भी बहुत खुश है मेरे से और पापा भी खुश हैं, क्या और किया आज किसी के आपने? साथ झगड़ा भी नहीं। आप क्या किया था मम्मी पापा को खुश करने के लिए? नहीं आज कुछ नहीं किया नहीं इसलिए खुश है। नहीं नहीं पापा को कुछ तब हुआ जब वो पेरेंट्स मीटिंग में आए थे, तो मैं क्लास में फर्स्ट आई थी, तो उन्हें जब रिपोर्ट कार्ड साइन करने का मिला तो उन्हें कुछ भी कंप्लेंट कहने के लिए नहीं था, और वो बहुत उस समय हैप्पी थे। और मम्मी भी पढ़ाई में अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने जब आकर कहा तो वो बहुत खुश हुई। वेरी गुड गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप। छोटी नंबर वन लाने का है। ठीक या हिताक्षी बा? हाँ जय सच्चिदानंद। आज तो मैं हैप्पी हूँ पूरा दिन, क्योंकि आज मेरे सारे संसाधन हो गए थे, फिर आज मेरे मैं मार्क्स थे तो मेरे को सब में 20 अब आए हैं, सिर्फ इंग्लिश में 18 मार्क्स आए 25 में से। और आज मैंने एक्सरसाइज में ब्रेन योगा किए थे, सुपर ब्रेन योगा। वेरी गुड। आज जय सच्चिदानंद। आज मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि दादा मैंने क्योंकि हसमुख दादा ने मुझे बताया था कि रात में सोने से पहले अपन को ये बोल के सोना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सुबह अपन जल्दी नहीं उठे तो अपन को कुछ पनिशमेंट देना है। तो मैंने आज ये पनिशमेंट दी कि मैंने आज सुपर ब्रेन योगा ज्यादा करे, मैं डेली 11 कर, तो मम्मी ने बोला था इतने एक्स्ट्रा करने, तो मैं तो इतने एक्स्ट्रा करे थे। दादा ओके दरिया, आर यू हैप्पी? जय सच्चिदानंद, आज मैं बहुत खुश हूँ ऐसे दिखता नहीं है मुंह में, ऐसे क्यों खुश है? दादा। एक बहुत सारे रीजन है, एक तो आज है ना मेरी पढ़ाई भी सब हो गई अच्छे से, मैं अभी आज नींद भी ले पाया, खेला भी और बराबर खाना भी खा पाया। ओके, आप नव कलम आ गए आपको? दादा अभी भी थोड़ा रिवाइज करना है। नव कलम आपको आता है तो दादा कैसे हैप्पी हो सकता है दरिया? 8 एक साल हो गया आपको नहीं आता है। ओके संतोष, ये बातें करो बाद में, एक दूसरा टॉपिक लेने का है जो आपने सुना है। साधन किस किस को आता है? सत साधन किस किस को आता है? सत साधन में क्या 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 है?
विधि नमस्कार नमस्कार विधि नवकलम नवकलम शुद्ध आत्मा प्रति प्रार्थना प्रति शरण मंत्र विधि सेपरेशन प्रेयर डेली प्रेयर स्टडी प्रेयर सत साधन में पांच चीज है। सत साधन में पांच चीज है, पंचामृत क्या क्या? दादा नमस्कार त्रिमंत्र नमस्कार विधि अंतरात्मे प्रति प्रार्थना नौ कलम और विधि प्रातः विधि और अधिक सभा नहीं, सेवा। मैं सत साधन की बात कर रहा हूं। सत्संग में नमः त्रिमंत्र प्रात विधि नमस्कार विधि नव कर्म और शुद्ध आत्मा प्रति प्रार्थना एक बाकी रह गया चरण विधि प्रतिक्रमण तो देखो देखो, सत साधन में पांच चीजें हैं। पहला त्रिमंत्र, दूसरा नमस्कार विधि, तीसरा नौ कलम, चौथा शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, और पांचवा दादा भगवान का असीम जी जी का। आप ये लोग सत साधन किस किस को आता है? तो सबको आता है, धार्य को ही नहीं आता है। हाँ सबको आता है, धैर्य को ही नहीं आता सबको आता है, है। एक्सेप्ट धैर्य। हाँ हाँ धैर्य हाँ धैर्य नहीं आता है आपको? क्यों क्यों हाँ दादा, कोई कारण नहीं है, मतलब मुझे मुझे भी इतना याद नहीं है सत्साधन क्या होता है मुझे। देखो, ये जो सत साधन है ना, वो दादा भगवान ने बताया हुआ है कि हमें। आप कहाँ रहते हो? अहमदाबाद अहमदाबाद में कहाँ पे? अच्छा, क्या बोल शाहीबाग। साहिबाग। अच्छा, अभी साहिबाग धैर्य, में डोंट प्ले अराउंड विथ पेन और समथिंग। धैर्य, कंसंट्रेट धैर्य करो। धैर्य, साहिबाग से अगर आपको कालूपुर रेलवे स्टेशन जाना है तो कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? ट्रेन से हाँ कालूपुर स्टेशन जाने के लिए ट्रेन से जाओगे साहिबाग से? हाँ, ना रोड से हाँ रोड से। लेकिन किस में जाओगे? साइकिल लेके जाओगे, रिक्शा रिक्शा में जाओगे, टू व्हीलर पर जाओगे, गाड़ी में जाऊंगा क्योंकि जाओगे, बस बाकी में कुछ नहीं जाओगे? हाँ दादा, ऑटो रिक्शा में हाँ ऑटो रिक्शा में जाओगे ना? तो आपकी मंजिल क्या है? घर से जाना है स्टेशन पर, तो स्टेशन आपकी मंजिल हुई ना? तो मंजिल पर हाँ पहुंचने के लिए, क्या किया आपने? एक रास्ता लिया ऑटो ऑटो पकड़ के गए ना? बराबर। हाँ वैसे ही अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, सुखी रहना है, या फिर ऐसी एक समझ प्राप्त करनी है कि जिससे मैं परमानेंट हम सुख में रहे, कभी भी हमें दुख छू ना पाए, कभी भी कोई चिंता हमें छू ना पाए, कभी भी कोई भी प्रकार की उलझने हमें उलझनों में हम फंसे ना रहे, और अगर हमें वापस ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है ना, उस शरीर में वापस आना है, तो ये सत साधन बहुत ही आवश्यक है। अभी आपको आपको मनुष्य में वापस आना है? हाँ, हाँ और तो ये ऑल्टरनेटिव मनुष्य। क्या है दीपक? हाँ जी,
ऑल्टरनेटिव क्या है? मनुष्य में नहीं आना है तो क्या किधर जा सकते हैं? मनुष्य में नहीं आना है तो बहुत सारी जगह है। तिर्यंश गति, हाँ नरक फिर, गति, हाँ फिर ज्यादा और कोई नहीं हो सकती। देव गति, देव गति, देव गति है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे कर्म करें तो ही, और अगर सत्साधन ये सब करें तो ही। अच्छे कर्म करे, अच्छे अच्छे वो करे देवगति। लेकिन देवगति भी क्या है? वहां से मुक्ति नहीं है। अगर हमें मुक्त होना है तो मनुष्य से, मनुष्य जन्म से ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ये मनुष्य जन्म को बहुत ही मूल्यवान बताया। और ये समय हमारा जो है वो अति अति मूल्यवान है, और इसका सही तरह से अगर उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा हमें पता नहीं है। तो ये सत्साधन जरूर से आप या बाय हार्ट कर लेना, पहले बाय हार्ट कर लेना, और अगर उसमें बाय हार्ट करने में अगर दिक्कत आती है तो बताना, मैं इजी गोइंग करके करवा दूंगा तुम्हें, दादा तो फटफट आपको याद रह सच्चादन जाएगी। हाँ के, पार्ट्स क्या है, कौन से प्रेयर्स? पहला त्रिमंत्र है, फिर ओके नमस्कार विधि है, फिर ओके, नमस्कार नौ कलम है, फिर विधि, नव कलम और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, दादा वो मैं हर रोज करता हूँ। और पांचवा दादा भगवान का सिम जय जयकारो, कीर्तन भक्ति। उसको नंबर 4 आता है, नंबर 1 नंबर फोर और नंबर 4। नंबर 5 का, नंबर 4 और नंबर 5 आ जाएगा आपको, लेकिन 1 2 3 करना तैयार करना पड़ेगा। आप पढ़ाई करने के टाइम त्रिमंत्र बोलते हो? धैर्य। अगर नहीं फिर बाहर कहीं जाते हो तो बोलते हो? दादा बोलता तो हूँ लेकिन हर बार नहीं बोलता। हाँ, लेकिन अगर हो सके ना, हो सके तो आप प्रयत्न करना, जब भी आप घर के बाहर निकलो ना तो मंत्र बोल के निकलने का। कोई भी कार्य करने जाओ तो मंत्र बोल के कार्य करो, चाहे खेलो, चाहे पढ़ो, चाहे स्कूल जाओ, कुछ भी करो, ये मंत्र है ना। मंत्र बोलने से आप जो भी कार्य करने जाओगे ना, उसके अंदर जो अंतराय आते हैं ना, जो बाधाएं आती है ना, वो तोड़ तोड़ देंगे। बराबर। तो ये दादा भगवान ने बताया कि अगर हमें कहीं पर भी कुछ भी काम करना है तो ये मंत्र बोलने से सभी प्रकार की बाधाएं टूट जाती, ताकि हमारा काम सफलता पूर्वक पूर्ण हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे स्कूल हो, कुछ भी हो। ओके, तो दरिया सीख लेना, बाकी सबको आता है। ओके, अभी टाइम हो गया है तो एक क्विकली हिताक्षी बा अपने, हाँ, व्हाट आई लव अबाउट मम्मी का प्रयोग किया था, तो आपका भी कुछ मम्मी के लिए कुछ नया सोचना देखना लगता है। आर यू अवेयर मोर अबाउट योर मम्मी? मैंने पापा के बारे में लिखा और मम्मी के बारे नहीं, में पापा को पढ़ा था। कल कल करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो अभी मामा के लिए है, तो उसमें आपको क्या फायदा हुआ? नमस्कार विजय, नमस्कार पहले जो नहीं मालूम था अभी मालूम पड़, तो ये एक्सरसाइज कर से मालूम पड़ा मम्मी के बारे में। कलम अब सोचो मोनिका। ज्यादा मुझे करने से मम्मी को बहुत ज्यादा अभिव कर पाई, और वो कितना मेहनत करती है मेरे लिए और कितना कुछ करती है वो मुझे समझ में आया था। और जब ओके, मुझे समझ में आया तो मेरी उनके साथ झगड़ा होना थोड़ा कम हो गया। वेरी गुड। तो पहले ऐसा मालूम नहीं था ना, राइट? ये अवेयर हो गया, खुशी। हाँ
पहले मम्मी जो भी काम बोलती थी मैं तुरंत ना बोलती थी, अभी मैं उनको हाँ ही बोलती हूँ और उनको ऑब्जर्व भी करने लगी हूँ। डॉग्स ओ छोटी है उधर हाँ है डॉग्स दादा, डॉग्स नमस्कार जी। डॉग्स आज हो गया नवकार अभी मुझे माल कुछ नमस्कार याद आया विता के बाद बोलो बोलो जल्दी जल्दी कि मम्मी के बारे में ऐसे बहुत कुछ चीजें जानने मिली थी। ऐसे हम डेली दिन में तो याद नहीं आती, पर ऐसे हम बात याद तो वैसे याद कर करके याद करते तो ऐसे पुरानी चीजें भी याद आ जाती है। डॉक्स और मम्मी जॉब कर पाई। वेरी गुड दादा आपको बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है आ रहा है पीछे। सुनाई नहीं देता दादा वो पीछे से साउंड आ रहा है। पीछे से बार बार मम्मी बहुत आवाज आ रही है इसलिए। ओके ओके तो अवेयर के माय मम्मी इज अ वंडरफुल पर्सन द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वो आपको सब पहचान हुआ वेरी गुड ओके तो कल अभी पापा से करेंगे ओके ओके जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रनी दादा, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद दीदी जय सच्चिदानंद अपने आवे पद सांभरीशु संतोष आनंद जी एक का। हाँ जी मिनट ओके क्या थी सर करवाने से अरण्य 64। 60 हाँ संतोष आनंद जी आनंद जी पहले से शुरू कर लू जा ओके ओके आनंद जय सच्चिदानंद। पर क्षेत्रे जे समझी हारे, अथणा मन थी बची जशे। परम अर्थ ते सहजे पामे, दादा श्री भगवान कहे। जेवा भावे वेट्यू हशे ते, उकलाशे पण ते जरिते। समझे विटवो ए निज सत्ता, दादा श्री भगवान कहे। अंधारा नाग में तिटला, विभाग कर शो मन मान्या। प्रकाशनो त्या अंतज अंशज नमड़, दादा श्री भगवान कहे। परम सहायक प्रतिकूलता, पुरुषार्थन जागृत करे। विटामिन छे आत्मार्थी ने, दादा श्री भगवान कहे। अनुकूलता के प्रतिकूलता एक संयोगोनु स्वरूप छे। दूर रही ने जोया कर तू, दादा श्री भगवान कहे। क्रिया मात्र प्रतिक्रिया छे, नियम थी जयम थया करे। कुदरत तो छे सदा नियम मा, दादा श्री भगवान कहे।
जग आँखों निमित ने दंडे गुनेगार मुड़ छुटो फरे कुदरत मुड़े ने पकड़ी दंडे दादा श्री भगवान कहे व्यवस्थित माजे होते हो व्यवस्थित थई ने रहशे व्यवस्थित थी कोई न बचशे हाँ दादा श्री भगवान कहे प्रकृति छे एक बगीचो विविध पुष्पो खिल्या करे रूप रस ने रंग निराड़ा दादा श्री भगवान कहे जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बहुत सरस गायु तमे આમાં શું જાણવા જેવું છે તમારે કે શું જાણ્યા તમે આમાં? કે આપણે અંધારામાં હઈએ એના કેટલા પાર્ટીશન પાડીએ પણ એમાં પ્રકાશ નથી આવવાનો, એ અંધારું જ રહેવાનું છે. એટલે આપણામાં જે અવગુણો છે આપણે એને ગમે તેટલા ડિવાઈડ કરવાની ટ્રાય કરશું, પણ એ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનમાં જ્ઞાન એપ્લાય નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એ ભૂલ મિસ્ટેક આપણી જઈશે નહીં. વેરી ગુડ. બીજું કે મેં ધારો કે ગમે તેવા ભાવે સામે વાળા જોડે બિહેવ કર્યું હશે તો ઈ એવી રીતે જ એનું રિઝલ્ટ આવશે. વેરી ગુડ. આમાં શું જાણવું છે તમારે વધારે સાયન્સ? ક્રિયા માત્રની પ્રતિક્રિયા છે, નિયમથી જે થયા કરે. સાંજે ક્રિયા માત્રની પ્રતિક્રિયા છે, નિયમથી જેમ થયા કરે. એટલે શું છે તો કે અત્યારનું જે આપણે બોડી લઈને આવ્યા છે ક્રિયાવાન લઈને આવ્યા છે, એટલે ક્રિયા કઈ પણ થશે સામે આવશે તો એની પ્રતિક્રિયા એની મેતે આપી જ દેશે. એટલે કે નિયમથી જેમ થયા કરે, એટલે કે ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા ઓટોમેટિકલી થયા રાખે છે, કારણ કે એવું આપણે લઈને જ આવેલા છે પ્રકૃતિના ભાગમાં. એટલે કુદરત તો છે સદા નિયમમાં, દાદાશ્રી ભગવાન કહે. એટલે કે કુદરત કાયમના માટે નિયમમાં છે, ક્રિયાની સામે પ્રતિક્રિયા થાય એ નિયમથી જ એમ થયા કરે, એમ કુદરત પણ નિયમમાં છે. એટલે કેવું છે તો કે આપણે સામે કોઈ કશું બોલ્યું તેની સામે તરત પ્રતિક્રિયા થઈ જાય છે, તો કે એ નિયમથી જ એમ થયા કરે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા એટલે કે એવું આપણે લઈને જ આવેલા છીએ, પણ એની અંદર જ્યારે પ્રશ્ન ઉભો થાય ને આવું કેમ થયું, એટલે આગળ શું કે છે, કુદરત તો છે સદા નિયમમાં. એટલે કુદરત સદા નિયમમાં જ છે, આપણું પનિશમેન્ટ આપણને આપી જાય છે, આપણે જે પૂર્વે ભૂલ કરેલી છે આપણને આપી જાય છે, તો એની સામે પ્રતિક્રિયા થાય છે તો એ આપણે જોઈ લેવાનું કે એ થઈ તો હવે એ ભૂલ ફરીવાર ના થાય તો એની માટે શું ઉપાય કરવો. જેમ આગળ કીધું ને, જે જેવા ભાવે વીટ્યું હશે તે ઉકેલાશે પણ તે જ રીતે. એટલે કે આ એવી રીતે આખું આ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જે લઈને આવેલા છે એવા કષાયો સહિતનું લઈને આવેલા છે, એટલે જેવું જેવા ભાવે વીટેલું છે એવા ભાવે ઉકેલ્યા હશે, એટલે કે જેવો સંજોગ ભેગો થશે એટલે એ પ્રમાણે ઉકેલાશે. એ ઉકેલાય છે, નિયમથી ઉકેલાય છે. પણ એમાં પછી બીજું આગળ કીધું ને, એક લીટી આવેલી, એક જ મિનિટ. મોટું કરું. હા, જે એમાં જ સમજી વીટવું એ નિજ સત્તા દાદાશ્રી ભગવાન કહે. એટલે એ વખતે
આપણે અંદર કેવું નવું વીટવું એ આપણી સત્તામાં છે. ઉકેલાય છે આપણી સત્તામાં નથી, પણ નવું શું વીટવું એ આપણી સત્તામાં છે. એટલે કે જેવા ભાવે વીટ્યું હશે તે ઉકેલાશે પણ તે જ રીતે, એટલે કે સામસામી એક્શન રિએક્શન સામસામી એ રીતે થશે. પણ હવે નવું કેવી રીતે વીટવું એ આપણી સત્તામાં છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે આપણે જાગ્રત ક્યાં રહેવાનું? આપણે ગમે તે સામેવાળા જોડે ભાવ રાખીએ છીએ. તો કે કઈ પણ બને છે ને, કોઈ પણ ક્રિયા બને છે ને, એની પાછળ આપણે જે એના પક્ષમાં બેસીએ છીએ ને કે ના આ કરવા જેવું હતું, આ બરાબર હતું, તો કે ત્યાં આપણે જાગૃત થઈ જવાનું. આપણે ગુસ્સો કર્યો અને ગુસ્સો કર્યા પછી અંદર વારો શું કે ના બરાબર હતું, ગુસ્સો કર્યો ને તો જ કામ થાય, ગુસ્સો ના કરીએ ને તો કોઈ કામ કરે નહીં. એ જ્યાં ગુસ્સાના પક્ષમાં બેઠા ને ત્યાં જાગૃત રહેવાનું. ગુસ્સો કરવો ના કરવો એ આપણા હાથમાં નથી, એ એ ફોર્સથી થઈ જાય છે. પાતળો પાતળો જે માલ ભરેલો છે એ ફોર્સથી થઈ જાય છે, પણ એના પક્ષમાં બેસીએ ને આપણે એ ગુનો છે, એ નિજ સત્તામાં છે. એના ગુસ્સાના પક્ષમાં બેસવું કે ના બેસવું આપણી નિજ સત્તા છે. એટલે કે ત્યાં આપણે જાગૃત થઈ જવાનું. એટલે નવું જે વીટવું એ ત્યાં આગળ આખું બદલાઈ જાય. એટલે કસાયના પક્ષમાં ના બેઠા એટલે આપણે આપણું આપણી જીત થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે આખો દિવસ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ ને તો આપણે ભૂલના પક્ષમાં બેઠેલા હોઈએ છીએ, એટલે ભૂલ ભાંગતી નથી. ભૂલ ભગવાન શું કહે છે કે ભૂલ થઈ એનો વાંધો નથી, કારણ કે ભૂલ તો પરિણામ સ્વરૂપ લઈને આવેલા છે અત્યારે, એટલે ભૂલ થયા રાખવાની. પણ એ ભૂલના પક્ષમાં બેસીએ છીએ મોટો ગુનો છે. એટલે આપણી મોટામાં મોટી લીકેજ કે મોટામાં મોટું જે કહેવાય ને, તો કે ભૂલોના પક્ષમાં બેસીએ છીએ ને, મોટામાં મોટું આપણી નિર્બળતા છે, નબળાઈ છે. જો આખા દિવસમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ ને તો આપણે ભૂલના પક્ષમાં આવીએ છીએ. શું નામ તારું? અનન્યા. અનન્ય, તને મમ્મી એમ કે તે આ કેમ ના કર્યું, એટલે તરત આપણે કહીએ, બાનું આપીએ કે આમ હતું ને, આમ હતું એટલે મેં ના કર્યું. એટલે કે આપણે ભૂલ થઈ જઈએ સ્વીકારતા નથી, પણ એના પક્ષમાં બેઠા રહીએ છીએ. એક આખો દિવસ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ ને તો આપણે ભૂલના પક્ષમાં આવીએ છીએ, ભૂલને ઉગાડી થવા દેતા નથી. એટલે આ જો એક સેજ રિપેર થઈ ગયું ને તો આપણું કામ થઈ ગયું. બરાબર બરાબર. હા. બીજું છે કઈ? ના. ઓકે, જય સચિદાનંદ. કચુભાઈ બધાને જય સચિદાનંદ. રજનીજી જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. પ્રતિક્રમણ બુક છે, થાય ચોખ્ખો વ્યવહાર હેડિંગ હૈ. अब मैं ये पढ़ता हूँ, आप थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में बता दीजिए, मुझे थोड़ा ये मुश्किल पड़ रहा है समझने में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. प्रश्न करता तमे ए रीते चंदूबाई ने छूटा मुकी दो तो ए गमे गमे ते करे दादाश्री ना ए तेथी ज मैं व्यवस्थित कहेलू छे एक बार फेरफार करवानो अधिकार एक जिंदगी माटे नथी वन लाइफ माटे. હા, એ જે લાઈફમાં હું વ્યવસ્થિત આપું છું એ વ્યવસ્થિતમાં ફેરફાર થઈ શકે એમ નથી, ત્યારે જ હું તમને છૂટા મૂકી દઉં છું. એટલે હું જોઈને કહું છું કે તેથી મારે વડવું
ના પડે કે બેરી જોડે કેમ ફરતા હતા ને કેમ આમ તેમ, મારે શું વડવા ના પડે બીજી લાઈફ માટે નહીં પણ આ લાઈફ માટે. યુ આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ એટ ઓલ, બિલકુલ, એટલે બધું કહ્યું છુપાશું. ये जो बता रहे हैं कि व्यवस्थित इस लाइफ के लिए है और अगले लाइफ के लिए नहीं है, ये जो है मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया. ये जो जो कश्यप जी बताया ना, था एक चोखो व्यापार, हाँ हो जाएगा शुद्ध व्यापार. तो ये क्या बताना चाहते हैं कि ना ये तेथीज में व्यवस्थित कहेलू छे के एक बार फेरफार करवानो अधिकार एक जिंदगी माटे नथी, वन लाइफ माटे. हाँ, जे लाइफ में हूँ व्यवस्थित आपू छू ये व्यवस्थित में फेरफार थई सके एम नथी. यानी क्या बता रहे हैं कि ये जन्म में हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई और व्यवस्थित का जो आज्ञा हमें मिली, तो के ये फेरफार क्यों नहीं हो पाएगा? तो कि अभी हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन आज का हमारा जो हम लेके आए वो अगले जन्मों का सब लेके आए. हाँ, अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है. अगले जन्म का हम सब लेके आए हैं. तो के जे लाइफ में हूँ व्यवस्थित आपू छू ये व्यवस्थित में फेरफार थई सके एम नथी, त्यारे जो तमने छूटा मुकी दो छू. इसलिए मैं आपको खुला छोड़ दे रहा हूँ, एटले हूँ जोईने कहूँ छू. यानी मैं देख के बतलाता हूँ ने तेती मारे वढ़ुए ना पड़े. यानी इसलिए मैं आपको आपको बोलता भी नहीं हूँ के मतलब कि बैरी जोड़े के. ये लाइफ में जो है आपको मतलब जो पहले का इफेक्ट है वो भुगत लेने का है और आगे नए कॉसेस अच्छे डालने के लिए, इसलिए मतलब वो बोल रहे कि आपको जिम्मेवारी नहीं इस लाइफ में, ऐसा बोल रहे हैं. हाँ, वो ऐसा बताते हैं ताकि पर आ लाइफ ये मार्टी को नॉट आज रिस्पॉन्स. के आज का जो हमें मनुष्य का जो जन्म मिला है वो हाँ पिछले किए हुए कर्मों का प्रतिफल स्वरूप मिला हुआ है. यानी ये लाइफ में तो व्यवस्थित में जो आने वाला है वो आने आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है. हाँ लेकिन आगे अगले लाइफ के लिए आप सुधार लो, ऐसा बोले ना, अगले लाइफ के लिए आप हाँ, सुधार लो. इसलिए मुझे आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है. आप घूमो, आपको हमने छुटा रख दिया है. हाँ मतलब वन लाइफ माटे, मतलब अगले लाइफ के लिए आपको सुधार लेने का है अपना भाव वगैरह, ये कहना चाह रहे हैं. हाँ, तो ये व्यवस्थित शक्ति हम जैसे जैसे समझते जाएंगे ना, तो अगला जन्म हमारा वैसे ही सुधर जाएगा. तो ये जो बोल रहे हैं कि प्रश्नकर्ता का जो है कंसर्न है कि वो बोल रहे हैं कि तमे रीते चंदूबाई ने छूटा मुकी दो, तो हम गमे ते करे जो है वो उसका उसका बता उसका पूछ रहे हाँ, हैं. वो प्रश्नकर्ता वो जो बात कर रहे हैं ना, तो के आगे के लिंक में होगा. तो के प्रश्नकर्ता ऐसा बता रहा है कि अगर ऐसा है तो चंदू भाई यानी अब नामधारी को मैं छूटा रख दू तो वो तो कुछ भी करेगा. तो हाँ, तो वो दादा बोले जी कि बता छूटा रहे नहीं ना. करेगा, वो व्यवस्थित के हिसाब से होगा जो, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं. हाँ, वो ऐसे अगर आप छूटा मुंग दोगे तो ऐसे नहीं कर पाओगे. समझ गए. वो आप फिर जैसा आगे जैसा आप जी भर के लाए हो वैसा ही वो निकलने वाला है. क्लियर हो गया. ये आगे पूछता हूँ. प्रश्न करता व्याज खवाए के ना खवाए, दादाश्री व्याज चंदूलाल ने खावो होए तो खाए पन, एने कहू के प्रतिबंध कर 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 जो पक्षी. ठीक है, ये क्लियर है. आ प्रतिक्रमण थी सामा ऊपर असर पड़े, अने ए पैसा पाछा आपे, सामाने एवी सद्बुद्धि उत्पन्न थाए, प्रतिक्रमण थी आम सबरी असर थाए छे, तो अपना लोको घेर जाने उग्रानी वाला ने ग्वालो आपे, तो एने तेने सबरी असर थाए के ना थाए, उल्टू लोको वधारे ने वधारे गूंजवू छे बधु असर वालू जगत से. मतलब ये जो बोल रहे हैं कि अगर जो आपको किसी से पैसा लेना है तो उसको आप गाली नहीं देना चाहिए, उसके लिए जो है प्रतिक्रमण करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं. हाँ, ऐसा बोल रहे हैं. नहीं, वो उठा सब ब्याज नहीं, अगर आपने किसी से ब्याज लिया है तो आपको इसमें लिखा ना पैसा, अने पैसा पाछा सामान्य एवं सद्बुद्धि उत्पन्न था. अच्छा,
तो मतलब वो ब्याज ब्याज किसी को दिया है तो वो उसके प्रतिक्रमण करेंगे तो वो पैसा देने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है सर। वो क्या बताना चाहते थे? प्रश्नकर्ता ने बताया ब्याज खवाई तो दादा भगवान ने बताया, आगे ऊपर लो, ऊपर लो रेफरेंस से, ब्याज हाँ खवाई ब्याज के ना खवाई। खवाई, यानी यानी आपने किसी को पैसा दिया और उसके प्रति स्वरूप आपको 1 टका 1.5 टका जो भी उसका मेहनता ब्याज देता है उसके लिए बताया। प्रश्नकर्ता पूछे ब्याज खवाए के ना खवाए, दादाजी ने बताया ब्याज चंदूलाल ने खाऊ हो तो खाए, यानी नामदारी ने दिया है तो नामदारी को खाना है तो खाए, पण एने कहू के प्रतिक्रमण कर जो, क्योंकि ब्याज खाना यानी वो शास्त्र की भाषा में ऐसा बताते हैं कि ब्याज का पैसा खाना वो गुना है, क्योंकि किसी को दुख हो किसी के पास से ब्याज पर खाते हैं ब्याज लेते हैं तो दुख दुख खड़ा होता है, तो उसके लिए दादा भगवान ने बताया कि प्रतिक्रमण कर ले। हाँ तो शास्त्र क्या बताते हैं? ब्याज नहीं लेना चाहिए। आप क्या, तो फिर तो वो इंसेंटिव नहीं होगा ना, जो है वो मतलब रुचि नहीं होगी ना किसी पैसा देने में। वो शास्त्र में सब उसका डिटेलिंग बताया है, वो पैसे का व्यवहार जो एक बुक है ना अपनी उसके अंदर हाँ सब बताया हुआ है, उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है दादा भगवान ने जो पैसे के बारे में ब्याज के बारे में ये सब के बारे में जो बताया ना, वो पैसे का व्यवहार है ना वो बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो अभी कौन अभी से यहाँ पे कच्चा जी इतना समझ लेना है कि अगर हमने किसी को भी दिया है और उसका प्रतिक्रमण करते हैं तो उसका उसका और हमारा हिसाब जल्दी खत्म हो जाएगा, पैसे हमारा वापस आ जाएंगे और हिसाब खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा मतलब सामने वाले पे वो पे सही असर मतलब निपटारा करने में प्रतिक्रमण जो है वो हेल्पफुल है, ये कहना चाह रहा हूँ। हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। प्रश्न करता आप, मैं वो बुक पढ़ूंगा फिर आपसे और पूछूंगा पैसे का वो। आप प्रश्न अच्छा करता, आपने कोई लेनदार नो प्रतिक्रमण करिए तो ये मांगतो तो रहे ने दादाशी, मांग मांगवा ना मांगवा नो सवाल न थी, राग द्वेष न थव जोई लेनू या तो रहे करो। मतलब ये जहां तक मेरे समझ में आ रहा है बोले कि लेन देन होता रहेगा लेकिन आपको राग द्वेष नहीं होना चाहिए, ये मेन है ना। हाँ, तो उसके प्रति जो द्वेष होता हो जाता है ना, राग या द्वेष, और हाँ राग और द्वेष होता है ना तो उससे नए कर्म बनते हैं, तो और वो महात्मा राग के द्वेष लिए नहीं हो तो लेती देती का हिसाब खत्म हो जाएगा, वो एक भोग के लिए होता है, लेकिन राग द्वेष खड़ा हो जाता है तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। महात्मा के लिए वो अनगम वो गमो वो होता है ना, जो है उस हिसाब से हाँ, वो महात्मा तो के लिए तो अभी राग द्वेष रहा ही नहीं ना, लेकिन वो लेकिन क्या होता है, फाइल नंबर 1 की किसी को हमने पैसा दिया है और नहीं आता है तो फाइल नंबर 1 को तकलीफ होती है ना कि ये पैसा नहीं आया पैसा नहीं आया पैसा नहीं आया, जब उसको देखेगा तब भी अंदर उसको मन में होगा कि ये देखो गाड़ी में घूमता है और मुझे पैसा नहीं देता गमो ये। अनगमो होता है ना, फाइल नंबर गमो अनगमो तो होता है ना। हाँ, वो हाँ होता है ना, तो वहां पे फिर अपने आज्ञा दृष्टि यूज कर लेने का वहां पे, क्या गमो अणगमो गमा अणगमा होता है, लेकिन वो दूषित दिखाई देता है ना। हाँ, दोषित भी दिखाई देता है वो वो। नहीं इसीलिए प्रतिक्रमण करना वो इसीलिए प्रतिक्रमण कर, प्रतिक्रमण करना जरूरी है। एक जन कहे मने धर्म नथी जोए तो भौतिक सुख जोइए छे, तेनो उ कहीश प्रमाणिक रह जे नीति नीति पाल जे। प्रमाणिकता प्रमाणिकपनु ए मोटो मो मोटो धर्म छे। ये जो बता रहे हैं कि मतलब कि जिसको सिर्फ जो है भौतिक सुख चाहिए उसमें प्रमाणिक से कैसे वो आ जाता है भौतिक सुख, वो समझना। वो नीति में आ गया ना, हाँ प्रामाणिकता हाँ यानी नॉर्मलिटी में आ गया वो, तो मतलब तो कुदरती रूप ऐसा से उसको भौतिक सुख मिलते ही जाएंगे, क्योंकि वो मतलब प्रामाणिक रहा तो राग द्वेष नहीं होगा। दूसरों के लिए अच्छी भावना करता है इसलिए उसको अच्छा सामने वापिस मिलेगा, ऐसा ऐसा मतलब होता हाँ, है। वो सुख दे रहा है तो सामने प्रतिफल सुख ही हाँ मिलेगा ना। डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फूलिशनेस, ये थोड़ा सा मैंने सुना तो है लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए। डिसऑनेस्टी इज द फुलिस बेस्ट बेस्ट फुलिसनेस।
टेस्ट वाइज फुलिशनेस, हाँ ये थोड़ा हाँ, समझाइए। अप्रामाणिकता, फुलिशनेस है, बड़ी फुलिशनेस है। वो कैसे कैसे, वो क्या सेंस में, क्या दादाजी और क्या बताते थे इसके बारे में, वो बताइए। वो दादा भगवान क्या बताते, हमने किसी को चीट किया, किसी को चीट किया उसके प्रति अनऑनेस्ट हो गए, हम डिसऑनेस्ट हो गए, किसी को चीट किया, किसी का विश्वास तोड़ा, तो अभी हमें ऐसा टेम्पररी बेस पर ऐसा लगता है कि मैंने उसको चीट किया और मुझे ये मिल गया, लेकिन उसका जब चुकाना आएगा तब, आज तो उसकी हालत थी कि हमने चीट किया तो वो सहन कर गया, बैर कर गया, लेकिन जब हमें हमें कोई चीट करेगा और हमारी ताकत नहीं होगी बैर करने की, तो क्या होगा? क्योंकि वो फिर बहुत दिक्कत होगी, समस्या होगी, समझ रहे हम डिसऑनेस्टी किसी के प्रति करेंगे तो हमारे हमारे को भी फलस्वरूप में डिसऑनेस्टी ही आएगी हमारे सामने। हम किसी का विश्वास तोड़ेंगे तो कोई हमारा विश्वास तोड़ेगा। ठीक है। फिर ये आगे जो है, ये आम टूटे श्रृंखला ऋणानुबंधनी में है, माफी मांग मां करिया करो कि मैं ते दोष दोष करया होए, तेनी मां माफी मांगू छू, कोई पन भगवान नि साक्षी ते बदु खलास थई जसु। मुझे ये पूछना है इसमें कि भगवान की साक्षी में जो बोलते हैं इसमें बताया है, जैसे मान लो मुझे मुझे कोई भूल, मैं अपनी भूल समझ में आई है, मान लो मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो है घर से निकला स्टेशन के लिए, तो मैं जो है आधा घंटा पहले निकला, ठीक है, और मेरा ट्रेन मिस हो गई, मुझे भूल अपनी समझ में आ गई कि जो है मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, मुझे मैं भगवान से शक्ति मांगता हूँ कि मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँ, जो है जल्दी निकलूँ, ठीक है। एक ये सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन है कि मैं मतलब अपनी भूल तो स्वीकारता हूँ और मतलब लेकिन जो है भगवान की साक्षी में ऐसा नहीं मांगता हूँ, मैं जो है मान लो ऐसा अपने आप को बोलता हूँ, ऐसे अफर्मेशन ऐसे होता है ना कि अपने आप को जो है बोलना, जो है अपने आप से बात करना, ठीक है, वो भी एक टेक्निक होता है ना, ठीक है। तो हाँ जी, दोनों में अंतर क्या होगा, एक तो आप भगवान से शक्ति मांग रहे हैं और एक अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा आगे मत करना, तो दोनों में देखो उस प्रभाव में अंतर क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे है ना, कश्यप जी रेफरेंस अलग है, ये ऋणानुबंध के हिसाब के प्रति है, तो ऋणानुबंध के हिसाब किसके पास किसके साथ होते हैं? हाँ वो अपने 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 वो होते हैं, मैं वो अच्छा उसके उसके रेफरेंस में ले लीजिए कि मान लो मेरे को किसी से जो है मतलब वो मेरे को देखो व्यवहार, सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूं, आपके वहां पे कोई काम करने वाला है क्लिनिक में, बराबर, तो उनसे कुछ गलती हो गई और आपने उसको डांट दिया, बराबर, तो अभी डांट दिया तो वो डांटा कब डांटा, तो कोई उसकी गलती देखी तब डांट, बराबर, तो अभी हाँ अभी उसके साथ कुछ ऋणानुबंध है, तभी तो वो आपके क्लिनिक में काम कर रहा है। अभी उससे अगर उसके ऋणानुबंध से अगर छुटना है हमें, तो उसके अंदर रहे शुद्धात्मा भगवान की साक्षी में उससे माफी मांग लेने। मतलब अगर मान लो ये एक सिचुएशन है कि मैं उसके अंदर के भगवान से नहीं उसमें लिखा, इसमें ये जो वो नहीं बोले उसमें लिखा कोई पन भगवान नहीं साक्षी है तू वो बदु कोई पण भगवान लिखा है ना यहाँ पे, ये जनरल जनरल वर्डिंग यूज की है कि ये जो पढ़ेगा वो दादा भगवान का फॉलोअर तो नहीं पढ़ेगा ना, कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वैष्णव वाला पढ़ सकता है, शिव वाला पढ़ सकता है, क्रिश्चियन पढ़ सकता है, मुस्लिम पढ़ सकता है, तो उसकी ये जिसके हाँ अंदर आता है उसकी साक्षी में वो माफी मांगी। मतलब ये जिन्होंने ज्ञान नहीं पाया उसके लिए उसको बोला है कि कोई पन भगवान नहीं साक्षी है तो माफी मांग लिए, ठीक है। तो मैं ये पूछ हाँ रहा जी, हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ उसी सिचुएशन में, जैसे आज जो आपने बताया मान लो उस व्यक्ति ने ज्ञान नहीं मांगा उसने, और जो है मतलब अपने वो नौकर को डांट दिया, उसको समझ में आया कि गलत किया, ठीक है, उसको अभी ज्ञान नहीं मिला लेकिन उसको समझ में आता है कि मैंने ये गलत किया, ऐसे होता है ना, ठीक है, और उसने हाँ माफी मांग भगवान मेरे को माफी कर दो, एक सिचुएशन ये है, और दूसरा उसने जो है भगवान से माफी नहीं मांगा, मान लो वो नास्तिक है, ठीक है, वो भगवान को नहीं मानता है, वो बोलता है वो मैंने अपने आप को से बात किया कि तू ऐसे मत करना है, ये जो है ये गलत चीज है जो, ठीक है, अपने आप को बोला उसने। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोनों में इफेक्ट क्या होगी, जो है परिणाम क्या आएगा, मतलब उसमें कि कौन ज्यादा प्रभावशाली। उसमें
उसमें आशय है ना, माफी मांगने का आशय है ना, वही काम करेगा। शब्द शब्द तो ये क्या है, परिभाषित करता है, मेन आशय काम करता है, आपकी भावना काम करती है। अच्छा, चाहे मतलब वो बल अपने आप को कहे या जो है भगवान की साक्षी में कहे, आशय जरूरी है मतलब ये। हाँ एक्चुअली क्या है, कश्यप जी कोई नास्तिक है ही नहीं, वो तो हम हाँ हमारी भाषा लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं, कोई मंदिर नहीं जाता है, भगवान के आगे माथा नहीं टेकता, उसको हम नास्तिक बोलते हैं। वो कोई ना मेरा हिंदुस्तान में जन्मा है ना, तो कोई नास्तिक है ही नहीं, उसको उसको भान है कि मैं कुछ हूं, लेकिन क्या हूं वो मालूम नहीं है, नहीं, उसको वो अस्तित्व का भान है, हाँ वो मैं लेकिन समझ गया, वो आपकी बात समझ गया ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता, एक होता है कि जो है किसी के मतलब किसी को भगवान को, किसी भगवान को याद करके जो है माफी मांगना, एक होता है कि अपने आप को बोलना का सीधा कि ये गलत है ये। अपने आप कब बोल पाएगा कश्यप जी, वो उससे अलग होगा तब बोल पाएगा ना, बिना अलग हुए कैसे बोल पाएगा कोई अपने आप को भी। कई ऐसे अच्छे लोग, ऐसे मतलब विवेकशील लोग होते हैं, वो अपने आप को एनालिसिस करते रहते हैं कि मैंने क्या गलती किया, और जो है हाँ वो यानी उसको यानी यानी वो एक अहंकार के साथ में उस प्रोसेस में है अलग रहने का। हाँ, दोनों ही अहंकार के साथ में ना, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिला अभी जो। हाँ इसलिए इसलिए तो दो 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 इसलिए दोनों प्रभावशाली होगा आप ये बोल रहे हैं। हाँ, वो आशय पकड़ा जाता है भगवान के उसके अंदर आशय पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर ये बोले तमें कोई पन मानस जुड़े, जे जे दोष करे होए, तो अंदर तमें माफी मांग लो, तो भगवान ये बंधु ये सेम है जो है ठीक है। फिर ये हाँ आप तो बद पुतला छे ते बद्दू काम करिया रहे छे, तो आपने प्रतिक्रमण करी एटले पुतला एनी मेले सीधा थई जाए। हाँ सही जाए। मतलब पुतला जो है वो मतलब जो है वो भगवान वो जो है इफेक्टिव है, इफेक्ट के अनुसार काम करता है, ये समझ में आया, ऐसा सही है। हाँ वो इफेक्टिव है, प्रतिक्रमण करेंगे वो इफेक्टिव है। तो वो उसका उसका इफेक्ट जो है पुतला, वो जो अपने मन वचन काय पे आता है सामने वाले के, या अपने पे जो आता है हाँ हाँ वो बोलना चाहते, वो अपने आप सीधा होता जाता है। ये आगे जो है बताया ना, बाकी गमे थे वो गांडो मानोस होए, पन थे अपना प्रतिक्रमण थी डायो बनी सके। हाँ प्रतिक्रमण से सब काम हो सकता है, किसी को बोलने से वढ़ने से कुछ काम नहीं होता है, प्रतिक्रमण से और प्रार्थना से ही काम होता है सब। ये मैंने ये हो सकता है लेकिन पहली बार सुना है ये, जो है कोई गांडो मानस होए तो आपने प्रतिक्रमण थी डायो बनी सके। वो क्या है कि वो गांडा है, वो पागल है, तो कब तक पागल है, आपके साथ उसका हिसाब है ऐसा, ऋणानुबंध का हिसाब है, तब तक वो पागल है। आपने अच्छा उसके साथ ऋणानुबंध चुकता कर दिया तो पागल पागलपन से मुक्त हो गया वो। अच्छा ऐसा, तो वो तो आपको ऋणानुबंध खत्म पनिशमेंट, हो जाएगा। तो आप हमारी हमारी पिछली कुछ गलतियां हुई है उनके साथ, इसलिए वो पागल बन के हमको परेशान करने आया है, अच्छा और ऐसा, हम उसके साथ माफी मांग के जो है उसके साथ का ऋणानुबंध क्लियर कर देंगे, तो उसको पागल रहने की जरूरत ही कहाँ रही। हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा समझ में। एक मानस जोड़े तमारे बिल्कुल फालतू नथी, तेनु जो तमे आखो दाड़ो प्रतिक्रमण करो, बे चार दिवस सुधी कर्या करो, तो पांचवे दाड़े तो तमे खोल तो आवी अय्या, तमे अतिक्रमण दोष थी आ बद्दू अटक्यू छे। ये जो बता रहे हैं जो इसका मतलब ये काफी इफेक्टिव है, बताना चाह रहे हैं प्रतिक्रमण जो है तो वो आपको हाँ ढूंढता हुआ आएगा तुम्हारा मतलब। तो ऐसा ऐसा आप थोड़ा सा इसके लिए बताइए, आपका एक्सपीरियंस हो ऐसा, या जो आप थोड़ा इस पे और प्रकाश डालिए मतलब ये जो बता रहे हैं। तो ये कैसा है कि हम पूरे जीवन के दरम्यान हमने किसी के प्रति कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि उसके प्रति हमने प्रतिक्रमण करके हमारे अंदर से क्लियर कर दिया है ना, तो वो सामने से आके हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा।
अच्छा, वो उसके उसके प्र, उस उसको और हमारे बीच में जो मतलब जो है वो जो गलत दूरियां हमारे और उसके बीच में मनभेद था, मनभेद था, तनभेद था, जो दूरियां थी वो सब मिट जाए। अच्छा है सर। फिर ये आगे है इधर, कोई मानस तर छोड़ मारी ने, बस पछी पछतावो थाए तो ते शू कहवाए, दादाश्री पछतावो थाए एटले तर छोड़ मारवानी तेव छूटी जाए, थोड़ी वक्त तर छोड़ मारी ने पछी पछतावो ना करे तो मैं केवु सारू के मैं केवु सारू करियु तो ते नरक जवानु निशान। ये जो बताया तर छोड़ के बारे में कि वो पछतावो से उसकी उसकी टेव छूट जाती, ये पहले बताइए इसके बारे में। वो किसी के किसी किसी को हम तरछोड़ मारते हैं ना, और तरछोड़ मारने के बाद अगर हम माफी नहीं मांगते हैं तो वो टेव होती है ना, वो गाढ़ी होती जाती है, वो छूटती नहीं है, और उसका उसका परिणाम क्या होता है तो कि नरके भी जा सकता है जी। लेकिन तरछोड़ मारने के बाद अगर वो माफी मांगता है, उसके पक्ष में नहीं रहता है, पछतावा कर लेता है, तो वो उसका वो निर्जरा हो जाती है। मतलब एक तरह से रौद्र ध्यान खड़ा होता है ना तरछोड़ से, हाँ होता है ना, दूसरे को जो है बहुत मतलब अंदर घाव लगता है। हाँ घाव लगता है ना। वो ज्यादातर क्या आता है, कोई मांगने के लिए आता है या कोई लेने के लिए आता है, तो हम कैसे कर दे जाए, चले जाए यहाँ पे, नहीं खड़ा रहने का यहाँ पे, ऐसा नहीं करने का। हमारा थी ये कोई मानस दुख थाई जाए ए मारी इच्छा ना होए, अत्यार सुधी 15-20 वर्ष मा बेतरन मानस नू थयु हशे ए निमित्त हशे त्यार ने, हमें पाछल पची एनु बदु प्रतिक्रमण करी एने पर पाछी वाड़ मुकी मुकिए दे देती ए पड़ी ना जाए, जेटली हमें चढ़ाव्यो छे त्यांथी ज पड़े नहीं एनी वाड़, एनु बदु रक्षण करीने पछी मुकी दईए। अभी ये जो जो बता रहे हैं कि वो दादाजी खुद अपने लिए भी जो है जैसे अगर कुछ हो जाए तो प्रतिक्रमण करते, ये समझ में आ रहा है। और फिर जो बता रहे हैं कि वार्ड मुखिए और जो है उसपे उसका उसके बारे में थोड़ा समझो। वो क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान, तो कि उसके पछिवाड़ मुकिए जेती पड़ी ना जाए, यानी वो गिर ना जाए, अभी उसको जो मनुष्य जन्म मिला है ना उससे भी गिर ना जाए, क्योंकि तो ऐसे हम वाड़ करके उसको रक्षण में रख देते हैं। किस तरह की वार्ड, किस तरह की वार्ड। वो प्रार्थना की वाड़ होती है। अच्छा प्रार्थना की, ठीक है। हाँ प्रार्थना की वाड़ होती हमें सिद्धांतिक कोई है कि भाई आ जाड़ रोपियो रोपिया पछी रोडनू एक लाइन लाइन दोरी माँ आवतू होए तो रोड फिर भी ये पन जाड़ने कछु ना था, हमारो सिद्धांत होए बतू एवो कोई ने पढ़वो ना दिए। भले ये थोड़ा उसी से उसी के जैसे ही बता रहे हैं कि अगर कोई किसी को उन्होंने पोषण किया है तो उसको गिरने नहीं देंगे, जो एक बार किसी का आश्रित किया तो गिरने देंगे, यही बता रहे ना। फिर हाँ, बस यही बात। ये बोले प्रश्न करता कोई मानस भूल भूल करे पछी, आपने पास से माफी मांगी आपने माफी करी दी है तो ना मांगे तो ये आपने मन थी माफ करी दिए, पन घटे घड़िए घड़िए मानस भूल करे तो आपने शू करवू, दादाश्री प्रेम थी समझावी ने समझा समझवाए एटलू समझवाऊ, बीजो कोई उपाय नथी अने आपना हाथमा कोई सत्ता नथी, आपने माफ कर्या छुटको छे आ जगत मा, नहीं माफ करो तो मार खाई ने माफ करशो तमे, ए फरी फरी भूल ना करे ए वो भाव फेरवी नाखे तो बहुत थई गयो, ए भाव फेरवी नाखे के हवे भूल करवी नथी छता थई जाए ए जुदी बात छे। अभी ये जो बता रहे ना कि इसमें कि जो अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मार खाई ने जो है माफ करशो, ये थोड़ा सा वो अभी हम जो पूरा जीवन जी रहे हैं, मार ही खा रहे हैं ना, अच्छा और जो मार हम खा मार 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 खाने के बाद भी हम माफी कर रहे हैं ना खुद को। खुद को माफ कर रहे हैं, मतलब कश्यप जी को आप माफ नहीं करते पूरे दिन,
हाँ वो गलती होती तो। हाँ गलती होने के बाद भी माफ तो कर ही देते हो ना आप कश्यप जी को। अच्छा मतलब वो कह रहे हैं कि भुगतान आएगा जो है, फिर से जन्म होगा, ये सब करना होगा जो है, मतलब ये तो। हाँ वो और वो कह माफ रहे थे, करने के बाद ही छूट माफ दे माफी माफी देंगे तो ही छूट पाएंगे। हाँ, और वो बोल रहे कि भाव फिर बदलना चाहिए, तो वो जरूरी है, उसका उसका वो उस पे फोकस रखना चाहिए। हाँ भाव उसके बदल गए तो फिर माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ ये वो गलती नहीं लड़के करेगा। भाव 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 हाँ बदल गए तो वो गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा तो माफी की प्रश्न ही नहीं आता। ये पेरेंट्स और बच्चों के बारे में बताया। छोकरा शाक लेवा मोकली, मैं पैसा काट ली है तो पछी जानी ने शु कर फायदो छो, ये तो जेवी एवा चलावे लेवा लेवानो नाखी देवाए कहीं, अब बीजो लेवा जाई कहीं, मैं बीजो मले नहीं ने कोई वेचे नहीं। और ये थोड़ा मजाक में बता रहे, लेकिन मतलब ये जो है थोड़ा, अगर कोई ऐसा देखते हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा चोरी कर रहा है तो उसके प्रति गलत भावना आ जाती है, तो ये ऐसा बताना चाह रहे हैं दादाजी कि ऐसे गलत भावना हमारे को नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये बताना हाँ चाह। हाँ 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 ठीक है, यही पूछ। धन्यवाद, जय सच्ची। जय सच जय सच्चिदानंद। ओके दीपकांत जी आर यू देयर? सच्चिदानंद आपनी क्षमता विचक्षण समय सूचकता विरोधी होय सामे पण हसीने दोष ना जोता गजब छे आपनी क्षमता विचक्षण समय सूचकता विरोधी होय सामे पण हसीने दोष ना जोता गजब छे आपनी क्षमता विचक्षण समय सूचकता विरोधी होय सामे पण हसीने दोष ना जोता। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जी, हाँ जी आजे कविराज ने पंक्ति छे, ये दादा ए हीरी करीने एक महात्मा हता बड़ोड़ा मा, एमने दादा ने पूछ्यु तू कि दादा मारा आवु बहु थाय छे मने, तो हूँ शू करवू? तो दादा एमने कीधेलु कि आ कविराज ने आ पंक्ति छे ने, એમને બહુ અકળામણ થયા કરતી હતી વારે ઘડી, તો ત્યારે દાદા એમને આ કીધેલું અને કીધું લાખ સવા લાખ સુધી આ કરશો ને તો તમારી આ પ્રકૃતિ જતી રહેશે। હવે આનો આવો ફોળ આપેલો દાદાએ, તમે બધું સમજાવો। જય સચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા દાદા ભગવાનનું આ તો આખું સિલવાન પણું છે, એમની એટલી બધી અંદર પ્રકૃતિના ભાગમાં પણ એટલી બધી શુદ્ધતા થયેલી, એટલી બધી ધીરજનો ભાગ હતો કે એ સામેવાળાનું મન વાંચે, બધું વંચાય, છતાં એમનો અંદર એક પણ પરમાણુ હાલતો નહોતો, કારણ કે એ પોતાના શુદ્ધાત્મા પદની આત્માની બહાર નીકળેલા જ નથી ક્યારે દાદાજી। એટલે કે ગજબ છે આપની ક્ષમતા, એટલે મારી વાત કરું તો કે બધાની જોડે વ્યવહારમાં આવવાનું થાય, રેસ્ટોરન્ટે જવાનું થાય, મહાત્માઓ જોડે બહાર પણ
બધે થાય તો કે મેં મારો ચેક પોઈન્ટ મૂકેલો છે કે જ્યાં આગળી વાદ ઉપર વિવાદ થવાનું ચાલુ થાય, એટલે કે વાત થાય ને વાદનો વિવાદ થાય એટલે અંદર અકળામણ થયા વગર નેચરાલિટીમાં અકળામણ થવાનું ચાલુ થાય, એટલે જ્યાં વાદ થયો ત્યાંથી જય સચ્ચિદાનંદ કરી વાળીને નીકળી જવું, એની આગળ વાતથી આગળ જવું નહીં ક્યારે, કારણ કે વાદનું વિવાદ થાય છે એટલે ત્યાં આગળ વાદ વાદ વાદની શરૂઆત થાય ત્યાં જ ત્યાં જ પૂર્ણ વિરામ કરીને ધીરે રહી. અને દાદાએ જેમ કીધું કે રસ્સી એવી રીતે ઢીલી મૂકવાની કે સામે વાળો પડી ના જાય, એમ કરીને ધીરે રહી નીકળી જવું છું. એટલે આખું જે બધી જગ્યાએ જ્યાં 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 પણ આવે છે ત્યાં ચેક પોઈન્ટ મૂકેલો છે કે વાદ વાદની શરૂઆત થઈ એટલે ધીરે રહીને છોડી ને આપણે નીકળી જવાનું, કારણ કે એ મને પોતા સામે વાળાને તો જયારે પનિશમેન્ટ આપશે ત્યાં સામે વાળાને નુકસાન કરે કે ના કરે, પણ પહેલો મને પોતાનું નુકસાન છે. મારું અંદર જે સુખનો જે અનુભવ છે, જે સુખનું નિરંતરતા છે, એ તૂટી જાય છે, સફોકેશન ઊભી નથી થવાની. એટલે મારું આ ચેક પોઈન્ટ બધો મૂકેલો છે અંદર કે જ્યાં આગળ કઈ પણ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈની પણ જોડે વ્યવહારમાં આવવાનું તો આ ચેક પોઈન્ટ સાથે આવવાનું કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ, અને જ્યાં વાત વાતથી આગળ વધતું હોય ત્યાં પૂર્ણ વિરામ કરી ધીરે રહીને સંકેલી નીકળી જવું. બહુ સરસ વાત, બરાબર છે કે દાદા કીધું, એમની ક્ષમતા ગજબ છે, એમની ક્ષમતા એટલે આપણામાં જો ક્ષમતા ના હોય તો આવી રીતે દાદાના વખાણ કરવાથી આપણી અંદર ક્ષમતા ખુલી જાય. વિચક્ષણ એટલે મને 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 છે ને કવિરાજજી નું એક્ઝામ્પલ બહુ કવિરાજજી નું એક એક્ઝામ્પલ કવિરાજજી કહેતા હતા. બોલો બોલો. કે મને દાદા ભગવાન માટે અવળું અંદર વિચાર આવેલા, પણ હું દાદા ભગવાન ના દર્શન કરવા જઉં તો દાદા ભગવાન ની આંખમાં મેં સહેજે ફેર પડેલો જોયો નથી ક્યારે મારી મારી. એટલે આ જે એમને લાઈવ કીધેલી છે વાત મને, એટલે જ્ઞાની પુરુષ કેવા કેવા હતા એ જે કવિરાજે લખ્યું પણ છે, આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે, એટલે એ કેવી રીતે પી ગયેલા એનું હું અંદર અંદર મારી અંદર મંથન ચાલતું હોય છે કે કવિરાજ લખ્યું છે કે આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે, કેવી રીતે પી ગયા હશે, એમના કેવા ગુણો જોયા હશે દાદા ભગવાનના કે પી શક્યા દાદા ભગવાન. બહુ સરસ, એમજી પાછા ગુમ થઈ ગયા લાગે છે, બહુ સરસ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, ત્રિમંત્ર બોલાવો. કશ્યપભાઈ પિતાબેન ફોલો કરજો. નમો વિત્રાગાય, નમો વિત્રાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોયે સર્વ સાહુણમ, નમો લોયે સર્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સર્વ પાવક પણાસણો, સર્વ પાવક પણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी महात्मा, जय सच्चिदानंद।